सबसे ज्यादा मुसलमान बीमारियों का शिकार है। क्यों? अल्लाह पाक ने हमें एक दवा दी है रमजान, और हम क्या करते हैं, रात में जाके जो है वो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, ऐसी मुर्गन गजाएं खाते हैं। फिर हम 4 बजे सहरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो 12 घंटे की नींद लेते हैं, और फिर शाम के 6 बजे जब अफ्तार का टाइम होता है तो उस वक्त हम जो है वो फिर 1.5 सौ अपने पेट में डाल लेते हैं। आपको पता है रमजान की कितना बड़ा बेनिफिट है, जब आपकी जो बॉडी जो है वो भूखी होती है, जब आपकी जो है वो शरीर भूखा होता है, और जब अंदर के सेल्स खाना शुरू करते हैं तो वो कितने बेनिफिट्स होते हैं, आपके मैथ को कितना सुकून मिलता है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, दूसरे मजहब के अंदर भी जो है वो रोजे का एहतमाम किया गया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो हिंदू हो, हिंदू धर्म हो। लिहाजा अपने आप को फिट रखने के लिए या अपने आप को जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए